पंजाब ने सीएम मान को केंद्र की जेड प्लस सुरक्षा दिए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पंजाब सीएम की तरफ से कहा गया कि दिल्ली और पंजाब में सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस के जवान काफी हैं। बता दें कि अमृतपाल सिंह की खिलाफ कार्रवाई के बाद केंद्र सरकार ने पंजाब सीएम भगवंत मान की सुरक्षा को लेकर बड़ी पहल करते हुए उन्हें जेड प्लस सुरक्षा देने की बात कही थी, जिसके जवाब में सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब और दिल्ली में दो सुरक्षा चक्र होने की वजह से दो कमांड की समस्या रहेगी, जिससे सुरक्षा में नुकसान पहुंच सकता है। पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से हरियाणा के कॉलेजों को संबद्धता देने को लेकर चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने हरियाणा और पंजाब दोनों राज्यों की बैठक बुलाई। चंडीगढ़ सचिवालय में हुई बैठक की अध्यक्षता चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने की। बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बेहद सकारात्मक माहौल में बैठक हुई है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर अगली बैठक 5 जून को होगी। पंजाब कैबिनेट के नए मंत्री बलकार सिंह ने अपना पदभार संभाल लिया है। मंत्री बलकार सिंह ने सुबह पंजाब में सचिवालय में वो पहुंचे, अपना कार्यभार संभाला। इस दौरान विभाग के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद स्थानीय निकाय मंत्री बलकार सिंह ने सीएम भगवंत मान का आभार जताते हुए कहा कि वो सीएम भगवंत मान के विश्वास को कायम रखते हुए जनहित में फैसले लेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को कायम रखा जाएगा। पंजाब कैबिनेट का चौथी बार विस्तार हुआ। दो नए मंत्री बलकार सिंह और गुरमीत सिंह खुडिया ने मंत्री पद की शपथ ली। इसको लेकर सीएम मान ने ट्वीट कर नई जिम्मेदारी मिलने पर दोनों मंत्रियों को शुभकामनाएं दी। सीएम मान ने कहा टीम रंगला पंजाब में दोनों साथियों का स्वागत है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने शानन पावर प्रोजेक्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 1966 में पंजाब पुनर्गठन एक्ट के तहत शानन पावर प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने पंजाब को दिया। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर पंजाब में कई स्थानों पर कार्यक्रम किए जाएंगे, लोगों को केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की उपलब्धियां बहुत हैं। उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा कि पहले नीतियों का अभाव था, मोदी सरकार ने नीतियों को धार दी है, परिवारवाद की राजनीति को खत्म किया है। मोहाली के गांव झांझेड़ी में एजीटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की। यहां एजीटीएफ ने मुठभेड़ के बाद लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एजीटीएफ ने यह कार्रवाई पूर्व में मिली सूचना के आधार पर की। बताया जा रहा है कि ये दोनों आरोपी गांव झांझेड़ी में कार में सवार थे, तभी एजीटीएफ ने इन्हें घेर लिया। इस दौरान आरोपियों ने फायरिंग की, जिसके जवाब में एजीटीएफ ने भी फायरिंग की। इस दौरान दोनों आरोपी घायल हो गए, जिन्हें गिरफ्तार करने के बाद मोहाली जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया।